नमस्कार, मेरा नाम रणबीर कौर है और मैं राजपुरा के इस गांव मोही कलां की सरपंच हूं। आइए मैं आज आपको अपने गांव के परिवर्तन की कहानी सुनाती हूं। मेरा शुरू से ही एक सपना था कि एक लीडरशिप वाली भावना मुझ में हमेशा से रही है। लोगों ने मुझे एज ए सरपंच इलेक्ट किया तो मुझे ये था कि गाँव में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स था जिनको मैं ठीक करना चाहती थी। सिस्टम ऐसा था कि अपने सपनों को पूरा करना, अपने सपनों को उड़ान पर लेके जाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जब 2021 में HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के साथ जब हमारा तालमेल हुआ, ऐसा लगा कि अगर ये फाउंडेशन यहाँ पे वर्क करेगी तो जो हमारे हमने सपने देखे थे, जो विकास हम करना चाहते थे, वो विकास हम कर पाएंगे। सबसे पहले हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। नमस्कार जी, आइए मैं आज आपको ऐसी महिलाओं से मिलाती हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए एक ये कंसेप्ट लेके आए हैं। वो ग्रुप बने और लेडीज़ इकट्ठे हुए, और भी ग्रुप बने, फिर सारी ट्रेनिंग हुई फर्स्ट स्टिचिंग दी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे गर्व है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट का। जब HDFC एंड अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई, इस मुद्दे पे आए कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ फार्मर क्लब को स्थापित किया गया। यहाँ के छोटे किसानों को नई तकनीकों वाली मशीन कम किराए पे प्रोवाइड कराई गई। तो असी बहुत ही वाजिब रेटा दे जो भी किसानों फार्म मशीनरी मुहैया कराने, जो भी उस तू आमदनी सानू होंदी है और साडा एक बैंक च खाता खुलाया हुआ है, उस असी जमा कराने। HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट की तरफ से जो हमें किसान क्लब में सुपर सीडर मिला है, मैं इससे अपनी बिजाई कर रहा हूँ। इससे क्या है, हमें ना तो पराली जलाने की जरूरत पड़ती है और ना ही इसको बाहर निकालना पड़ता है। ये पराली का संपूर्ण समाधान है और इसका किराया भी बहुत कम है और ये हम किसान क्लब से ले रहे हैं। राजपुरा के कई क्षेत्रों में किसानों को पानी की समस्या थी, तो इस परेशानी को देखते हुए HDFC की मदद और अंबुजा सीमेंट के सहयोग से हम सब ने मिलकर किसानों को ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और फार्म पॉन्ड बनवा कर दिए। साथ ही किसानों के खेतों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए सोलर फेंसिंग भी लगवा के दी है। तो इसके बाद हमारा दूसरा काम ये था कि हमने छप्पड़ों का रेनोवेट किया, तो उस पानी को फार्मर हैं वो सिंचाई के काम में लाते हैं। अब जो भी इस पॉन्ड से पानी लेते हैं चारों तरफ, उन सब की खेती बहुत बढ़िया होती है। तो हमारे गांव में प्रॉब्लम थी कि गांव का एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा था और एक हिस्सा थोड़ा नीचे था, लेकिन जो ऊंची साइड थी उन घरों में उनको पानी की दिक्कत आ रही थी। पंचायत ने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन एंड HDFC बैंक के साथ मुलाकात की, तो उन्होंने हमें सजेशन किया कि आपके यहाँ हम जल मीनार बनाएंगे, जो कि आप अपने पीछे देख सकते हैं। अब हमको अच्छा पानी पीने को मिलता है, इसमें RO लगा हुआ, इससे पानी और इससे बीमारी भी नहीं होती। अब भारी आई देश के भविष्य की, जो के थे बच्चे, तो हमारे क्षेत्र के स्कूल जो थे तो हमने उन्हें नया डेवलप करने के लिए हर स्कूल में स्मार्ट क्लास लगाई और बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी लगाई। यहाँ पे हमारे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और HDFC बैंक की तरफ से बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पे स्मार्ट स्कूल बनाए हैं, बेंच वगैरह दिए हैं और बाला वर्क अच्छा करवाया है, प्रोजेक्टर दिए हैं, और इसको यूज करते हुए हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेते हैं और बच्चे की क्यूरियोसिटी अच्छी बढ़ जाती है भी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ अप हुई है। हमारे क्षेत्र की एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए। इसके चलते हम लोगों ने SWM प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया। सब लोगों को फायदा हुआ है, हर घर में वेस्ट कलेक्टर टाइम से पहुंच जाता है और वो अपना कूड़ा करकट उठाकर तो इसमें डाल देता है। इससे बहुत खुश हैं, वातावरण भी साफ हो रहा है और इस प्रोजेक्ट के साथ सभी लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य को देखते हुए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हेल्थ कैंप लगाए। यहाँ डॉक्टर आते हैं, हर मंथली में एक कैंप लगाते हैं जो हम सभी का अच्छी तरह से चेकअप करते हैं। रोड लाइटों की कमी थी, रात को विजिबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे,
तो फिर उसके बाद HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट के साथ मिलकर हमने सोलर लाइटों का प्रबंध किया। तो ये थी मेरे गांव मोही कलां के परिवर्तन की कहानी। ऐसी ही HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे राजपुरा के गांव में बहुत सा परिवर्तन हुआ है। नमस्कार।